हेलो गाइज़, वेलकम टू माई चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज़, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये इजी सटल ब्राउन आई मेकअप लुक, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली हम अपने फेस को अच्छे से प्रेप करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ टोनर। इससे जो हमारा स्किन है वो हाइड्रेटेड भी रहेगा एंड हमारे जो पोर्स है वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ गुड वाइब्स का ये कोकोनट क्रीम एज अ मॉइस्चराइजर एंड इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ मेबलिन का ये कॉम्पैक्ट। सो मेरे स्किन पे बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो उसे लॉक करने के लिए मैं ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं प्राइमर एंड फाउंडेशन यूज़ करूँगी। तो इसे मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइस, जो प्राइमर का जो फुटेज था वो मेरे से डिलीट हो गया। सो नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन। मैं बहुत ही लाइट सा यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही हल्का सा, क्योंकि समर सीज़न है, बहुत हैवी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही पैची सा लगता है, इसलिए मैंने बहुत ही लाइट सा यूज़ किया है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फाउंडेशन ब्रश मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो अपने ईयर एंड नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देन मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड इससे मैं अपने ओवरऑल सारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे लगा लूँगी, अपने अंडर आइज, क्यूपिड बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, सारे एरियाज़ पे एंड हमारे माउथ के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ थोड़े से पिगमेंटेशन होते हैं, तो मैं वहाँ भी इसे यूज़ कर रही हूँ। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल स्पंज मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये मेकअप रिलेशन का बनाना पाउडर एंड जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर यूज़ किया मैं वहाँ इसे सेट कर लूँगी। सो मेरी स्किन ड्राई है, इसलिए मैं अपने पूरे फेस को सेट नहीं कर रही हूँ। देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये डार्क ब्राउन शेड फॉर द कॉन्टूरिंग एंड मैं ये कॉन्टूरिंग ब्रश से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो मैं अपने चिक बोन्स, फोरहेड को, सारी जगह को अच्छे से कॉन्टूर कर लूँगी। मेरे फोरहेड थोड़े से बड़े हैं तो उसे भी कॉन्टूर करना बहुत ज़रूरी है। सो देन मैं अपने सारे जो पाउडर है मैं उसे अच्छे से डस्ट ऑफ कर लूँगी, क्योंकि टाइम हो चुका है इसे डस्ट ऑफ करने का। देन मैं अपने नोज़ को कॉन्टूर कर रही हूँ। एंड एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन अगेन मैं ये कंसीलर ले रही हूँ एंड इसे मैं अपने आईलेट पे लगाऊंगी। एंड सेम स्पंज की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड भी कर लूँगी। देन अगेन मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड इसे मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो मैं कितने लाइट हैंड से इसे प्लेस कर रही हूँ। एंड इस कलर को मैं सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पे ही अप्लाई की हूँ। देन मैंने यहाँ लिया ये स्विस ब्यूटी का पैलेट एंड इसमें से मैं ये चॉकलेटी ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड इसे मैं सेम ब्राउन शेड के साथ मिक्स करते हुए आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ एंड हमें बहुत ही लाइट हैंड से कलर डिपॉजिट करना है। ना आप देख सकते हो मैंने इसे क्रीज में भी ब्लेंड नहीं किया, मैं इसे सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड कर रही हूँ। देन हल्का हल्का कलर मैं अपने आईलिड की तरफ स्प्रेड कर रही हूँ। देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये लाइट शेड, दिस इज़ अ न्यूड शेड एंड इसे मैंने अपने इनर आईलिड पे लगाया है
एंड आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा सटल लुक आया है आई मेकअप का। मुझे बहुत मन था ये आई मेकअप करने का, तो मैंने लास्टली सोचा कि मैं ये आई मेकअप करूँगी मुझे, क्योंकि ये आई लुक बहुत पसंद है। देन मैं सेम ब्राउन शेड को अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। इस लुक की सबसे अच्छी बात है कि आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ, किसी भी पार्टी फंक्शन में इसे आप कैरी करके जा सकते हो। देन मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ अपने आईब्रो के लिए, एंड द हेल्प ऑफ दिस आईब्रो ब्रश मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। एंड इसी के साथ एक स्पूली ब्रश भी आता है, मैं उसे से अपने प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो ऑफ कैमरा मैंने फॉल्सेस अप्लाई कर लिया है एंड ये फॉल्सेस मैंने न्यू परचेस किया है। सो नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYB का ये वाइट काजल। ये वाइट नहीं है, ये सिल्वर काजल है। सो इसे मैं अपने लोअर लेस लाइन को टाइट लाइन करूँगी। देन मैं ये पीची शेड ले रही हूँ फॉर द ब्लश। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ लिया है ये मेबलिन का न्यूड शेड, एंड मेबलिन की लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा ऑसम है गाइस, इट्स फील्स लाइक अ क्रीम लिटरली। देन मैं ये सेम गुड वाइब्स का टोनर अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ, ताकि जो मेरे जितने भी फेस पे मेकअप है वो सारे अच्छे से सेट हो जाए एंड एक्स्ट्रा जो है वो भी निकल जाए। देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये बटन वाइल्ड का हाइलाइटर। एंड इसे मैं अपने चिक बोन्स पे, फोरहेड पे, अपने नोज पे एंड ब्रिज ऑफ द नोज, देन मैं अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर रही हूँ एंड देन ब्रा बोन को भी। सो या दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज। अगर आपको ये लुक पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, एंड अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें। सो या गाइज़ बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।